हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वी टू सक्सीड में। और इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है मनी और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम एक टॉपिक कवर कर चुके थे, बाकी के दो टॉपिक हम इस पार्ट में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी। फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं, तो पार्ट 2 में हम सेकेंड टॉपिक करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो कि हमने डिस्क्राइब करने हैं, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। पहला है फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी, दूसरा है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो ये क्या होते हैं, हम ठीक से इनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। फिएट मनी कौन सी होती है? फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो मनी होती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू की जाती है। इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स एंड कॉइन्स विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर वो सारे नोट और कॉइन्स आते हैं जो कि हम हमारी कंट्री में यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम इसके अलावा कोई और कॉइन जो कि गवर्नमेंट ने जैसे 1 रुपए का 2 रुपीज का कॉइन लॉन्च किया हुआ है, उसके अलावा हम अपने हिसाब से कोई 1 रुपए का या 2 रुपीज का कॉइन बना के नहीं मार्केट में ले जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हम सिर्फ उनको ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी वो होता है इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। पेयर और पे के बीच के ट्रस्ट पे डिपेंड करती है ये फिड्यूशरी मनी, कि उन दोनों के बीच में कितना ट्रस्ट है। जैसे कि चेक आप इशू करते हो, ठीक है, जब भी आप चेक इशू करते हो तो अब जो चेक दे रहा है, जो चेक रिसीव कर रहा है, उन दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए कि जो दे रहा है उसने सही चेक दिया है, जो रिसीव कर रहा है उसको पेयर पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये मेरे को सही चेक देगा। चेक्स आर फिड्यूशरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, ये ट्रस्ट के बेसिस पे दिया जाता है। फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हूज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड वेन दीज आर इशूड, कि जिनकी मनी वैल्यू इक्वल होगी कमोडिटी वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश के टाइम पे, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि ब्रिटिश टाइम पे जो 1 रुपीज का कॉइन था वो सिल्वर का था, तो इसका क्या मतलब था कि जो उस कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज थी और सिल्वर की वैल्यू भी उस टाइम पे कितनी थी, 1 ही रुपीज थी। सिल्वर की वैल्यू और कॉइन की वैल्यू सेम थी, तो जो उन्होंने कॉइन लॉन्च किया था वो सिल्वर का था, तो सिल्वर और उस कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज थी। ये फुल बॉडीड मनी था। क्रेडिट मनी क्या होता है, जहां पे मनी वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू के, मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के ज्यादा होती है। कि जो जैसे कि हमारे पास अभी मेटल के कॉइन्स होते हैं, तो मेटल का 1 रुपए का मेटल का कॉइन है, तो क्या मेटल की वैल्यू 1 रुपए है? नहीं, मेटल की वैल्यू 1 रुपए नहीं है। अगर ऐसा होगा तो लोग उसको, या 1 रुपए से ज्यादा हुई है मेटल की वैल्यू, तो लोग उसको पिघला पिघला के 1 रुपए से ज्यादा में बेच देंगे। तो मेटल की वैल्यू 1 रुपए से कम है, वरना तो लोग उसको मेल्ट करके बेचते रहेंगे। वट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट द रूपी कॉइन इज मेड ऑफ इन इंडिया, क्या मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? ऑब्वियसली मच लोअर देन द मनी वैल्यू ऑफ द रूपी कॉइन, तो रूपी कॉइन से कम है। अदरवाइज पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट एट अ प्राइस ग्रेटर देन 1 रुपी, वरना लोग उसको मेल्ट करके 1 रुपए से ज्यादा में सेल कर देंगे। तो फुल बॉडीड मनी जिसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल हो, और क्रेडिट मनी वो होती है जिसमें मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा हो। थर्ड टॉपिक आता है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। मनी की सप्लाई कैसे होती है? सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, मतलब कि इसमें हम मनी का स्टॉक लेके चलते हैं हर टाइप का, जो किसने इकट्ठा कर रखा है, पीपल ने, हेल्ड बाय द पीपल, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आपने इकट्ठा कर रखा है, आपके पास कितना स्टॉक है मनी का, ठीक है, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री।
इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री. देखो गवर्नमेंट ने मनी का कितना स्टॉक रखा है और बैंकिंग सिस्टम जो है हमारा उन्होंने मनी का कितना स्टॉक रखा है सप्लाई ऑफ मनी में वो काउंट नहीं होता है. लेकिन जो पीपल है हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने अपने पास उनके पास कितना स्टॉक है मनी का वो सिर्फ काउंट होता है. तो सप्लाई ऑफ मनी में ध्यान रखना है कि जो सप्लायर है यानी कि जो हमें मनी देते हैं गवर्नमेंट और बैंक उनके पास कितना स्टॉक है ये हम काउंट नहीं करते हैं. सप्लाई ऑफ मनी के अंडर में नहीं आता इंक्लूड नहीं होता है बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री आर सप्लायर्स ऑफ मनी. ये गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम कौन है ये मनी के सप्लायर्स हैं ये हमें सप्लाई करते हैं. एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी. और जो सप्लायर ऑफ मनी स्टॉक रखते हैं उनको हम सप्लाई ऑफ मनी में कभी भी ट्रीट नहीं करते हैं ठीक है उनको हम इंक्लूड नहीं करते. तो सप्लाई ऑफ मनी में क्या आता है जो हमारे देश के लोग हैं उन्होंने कितना स्टॉक इकट्ठा कर रखा है मनी का वो आता है. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. इंडिया में 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स है मनी सप्लाई के M1, M2, M3 एंड M4. हमें सिर्फ M1 मेजर के बारे में पढ़ना है. M1 मेजर ऑफ मनी क्या है. अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट मनी मनी इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. इसमें ये चीजें आती है C+DD+OD. अब ये क्या होता है. सी का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक. इट इंक्लूड कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट. सी में आते हैं हमारे कॉइन्स और हमारे पेपर नोट्स. डीडी में क्या होता है डिमांड डिपॉजिट जो हम करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स के साथ जैसे चेकेबल डिपॉजिट्स हो गए चेक्स वगैरह हो गए कि हम वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ओडी क्या आता है डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड के साथ RBI के नबार्ड के साथ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड की फुल फॉर्म है. इनके साथ जो हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं या फिर फॉरेन गवर्नमेंट के साथ डिमांड डिपॉजिट जो होती है या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस IMF और वर्ल्ड बैंक इनके साथ जो डिमांड डिपॉजिट होती है वो सब ओडी में आता है. ओडी में क्या नहीं आता डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI. RBI के साथ गवर्नमेंट का जो डिपॉजिट है कंट्री बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिट है वो सब चीजें नहीं आती है. नबार्ड के साथ फॉरेन सेंट्रल बैंक के साथ फॉरेन गवर्नमेंट के साथ IMF वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक हो गए उनके साथ हमारे डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं ठीक है. हु सप्लाइज मनी. मनी कौन सप्लाई करता है. मनी हमें दो लोग सप्लाई करते हैं सेंट्रल बैंक जो कि है हमारा RBI ऑफ इंडिया ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है और हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक है बाकी वो और थर्ड होगी हमारी गवर्नमेंट. इन इंडिया RBI इज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी. इंडिया में RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो हमारा प्रिंसिपल सप्लायर है मनी का. RBI ही करेंसी को इशू करता है मिनिमम रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे. इस सिस्टम में क्या है हमें एक मिनिमम रिजर्व रखना होता है 200 करोड़ का इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी. मतलब हमारे पास 200 करोड़ का गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटीज होनी चाहिए. हमें इतना रिजर्व करके रखना है अपने पास ठीक है. ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू ऑफ द गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़. इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ तो हमारे पास गोल्ड होना चाहिए बाकी हम फॉरेन सिक्योरिटीज रख सकते हैं. कमर्शियल बैंक नेक्स्ट आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक ठीक है. कमर्शियल बैंक सेकेंड सिग्निफिकेंट सोर्स होते हैं हमारे मनी सप्लाई करने के. अनलाइक द सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक Do not have the authority of issuing currency. Commercial bank जो होते हैं वो करेंसी को इशू नहीं करते उनके पास अथॉरिटी नहीं होती करेंसी को इशू करने की. कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू नोट्स एंड कॉइन्स. ये कॉइन्स और नोट्स को इशू नहीं करते यट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. कि ये मनी के सप्लायर होते हैं लेकिन ये मनी इशू नहीं करते हैं ये क्रिएट नहीं करते अपने हिसाब से ये डिमांड डिपॉजिट्स में मनी क्रिएट करते हैं ठीक है. दीज डिपॉजिट सर्व एज सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स. ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं इसलिए ये सर्व करते हैं एज अ सप्लाई ऑफ मनी. पीपल कैन विड्रॉ ट्रांसफर मनी बाय राइटिंग चेक. जो लोग हैं वो कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं एक चेक के थ्रू. मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी. जो कि डिमांड डिपॉजिट्स के द्वारा जो मनी क्रिएट करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक उनको हम बैंक मनी बोलते हैं ठीक है.
नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हमारा थर्ड सोर्स होता है मनी सप्लाई करने का, ठीक है. इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है हमारी, वो हमारे 1 रुपीज के नोट और कॉइन को इशू करते हैं. 1 रुपीज का नोट या 1 रुपीज का कॉइन या नोट जो भी होगा वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करेगी. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये बनाए जाते हैं. इसके अलावा बाकी जितने भी नोट होते हैं या कॉइन्स होते हैं वो सब हमारा आरबीआई बनाती है, आरबीआई के अंडर में इशू किए जाते हैं. तो आई होप यह चैप्टर आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच.